तो कोविड के बाद में सब लोगों को लगने लगा कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है जहां से सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट की जा सकती है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह लोगों को दिखने लगी जहां पे पैसा बनाया जा सकता है, और क्यों ना हो, बनता भी है, इसमें कोई शक नहीं है। बट किसका बनता है और किसका नहीं बनता, ये समझना बड़ा जरूरी है। इस वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी वो 9 वजह है, 9 रीजंस जिनकी वजह से हमें लॉसेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट हमेशा की तरह बदनाम हो रही है। हमें एक एक रीजन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर एज अ ट्रेडर अगर आप वो मिस्टेक्स कर रहे हैं तो बिलीव मी ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। और अपने हर दोस्तों से शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट में लॉसेस खा रहे हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद में कम से कम आपको ये पहचानने में आसानी होगी कि आपकी गलती क्या हो रही है, उस गलती को करेक्ट कहां पे करना है। क्योंकि अगर हमें मालूम ही नहीं है कि हम गलती क्या कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं और इस गलत फहमी में रह रहे हैं कि मैं तो ठीक कर रहा हूं, पता नहीं स्टॉक मार्केट खराब क्यों है, तो हमें स्टॉक मार्केट में कोई नहीं बचा सकता, हमें लॉसेस होंगे ही होंगे। तो इस वीडियो में मेरा जो कंसर्न है वो इसलिए है आप लोगों को लेकर, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में 20 साल से हूं, पहले मैं भी अपने लॉसेस कर चुका हूं, मुझे भी मालूम है स्टॉक मार्केट में कैसा होता है। जब मैं इस स्टॉक मार्केट में, जब मैं ट्रेडिंग से पहले जब मैं जॉब करता था, जो उससे पहले मेरी जो ब्रोकिंग की हिस्ट्री रही है 20 साल की, जहां पे मैंने बहुत बड़ी बड़ी ब्रोकिंग कंपनीज में जॉब किए, वहां पे हम क्लाइंट्स के साथ ही काम करते थे, तो क्लाइंट्स को जो लॉसेस होते थे वो सभी वजह मुझसे ज्यादा बेहतर कोई जानता नहीं है, क्योंकि मैंने सभी लोगों के साइकोलॉजी को स्टडी किया है, मैंने इतने सारे हजारों हजारों क्लाइंट्स को नजदीक से देखा है पिछले 17-18 साल की जॉब की जर्नी में। पिछले 20 साल से स्टॉक मार्केट में हूं और 17 साल मैंने जॉब की थी, और पिछले 5 साल से ट्रेडिंग पूरा फुल टाइम ट्रेडर इन्वेस्टर्स की तरह काम कर रहा हूं, तो मुझे मालूम है लॉसेस क्यों होते हैं। तो प्लीज ये मैं समझ गया कि वीडियो को बनाने के लिए वीडियो बना रहा हूं, बट मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी नोटिफिकेशन, ऐसी इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको सबसे पहले मिलते रहे। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर कमिंग अहेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली वजह आपके लॉसेस की क्या है, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे कि आपको भी समझ में आ रहा है आपकी लॉसेस की वजह क्या है। और इस 9 पॉइंट्स में से अगर आपके 9 पॉइंट्स मैच करते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपने आधी करेक्शन आज ही कर ली। बट उसके ऊपर काम करना है, कैसे काम करना है, क्या करना है, इस वीडियो के एंड में वो भी बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहें, पूरा बने रहें, देखते रहें और देखते हैं, चलिए देखते हैं कि आप में से कौन जीतता है इस क्विज को, या कौन जीतता है इस कम्युनिकेशन को, जिसको पता लग जाएगा कि हाँ मेरा सेल्फ एनालिसिस, मतलब आपका सेल्फ एनालिसिस मेरे एनालिसिस से मैच कर रहा है। दोस्तों सबसे बड़ी वजह क्या है, सबसे बड़ी वजह है लैक ऑफ टाइम। जितने भी लोगों ने पेंडेमिक के बाद में यहाँ पे 30 लाख 40 लाख जो नए डीमैट अकाउंट्स खुले हैं और जो खुल रहे हैं, ये वो सभी लोग हैं जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, कोई भी फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है, ना ही कोई बनना चाहता है। ये सभी वो लोग हैं जिनके पास कोई ना कोई जॉब है और स्टॉक मार्केट को एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम वो बनाना चाहते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं दोस्तों, आप जहां भी आप जॉब करते होंगे, आपके अपने एरिया में एक बहुत अच्छा फूड जॉइंट होगा जो आपको बहुत पसंद होगा, किसी की कुछ डिश फेमस होगी, किसी की कोई चाय कॉफी फेमस होगी, किसी का कुछ फेमस होगा, आपको लगता होगा इसका जो भीड़ को देख के आपको लगता है ये बिजनेस किया जा सकता है, तो क्या अगर अपना पैसा किसी के साथ पार्टनरशिप में, अगर आप वो चाय कॉफी का काउंटर रन करने में या कोई फूड जॉइंट काउंटर रन करने में अगर पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो क्या वो बिजनेस चल पाएगा? क्योंकि आप उसमें टाइम नहीं दे रहे हैं, पर आपको लगता है किसी एक्सपर्ट को आपने रख लिया है और वो आपके पैसे को संभाल के आपको पैसा बना के दे देगा, तो क्या चल सकता है? नहीं चलेगा। वैसे ही स्टॉक मार्केट में जब तक आप टाइम नहीं देंगे आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। 99% ट्रेडर्स की लॉस की वजह है उनका टाइम का ना होना। उनको लगता है मैं तो जॉब पे चला जाऊं, कोई मेरे डीमैट अकाउंट को हैंडल कर ले। और आज तक कल तो ऐसे फ्रॉड भी बहुत चल गए हैं जहां पे लोग फोन करते हैं कि हम डीमैट ट्रेडिंग की हैंडलिंग की सर्विसेज आपको देते हैं। सोचिए फ्रॉड लोगों को कितने अच्छे से मालूम है कि आपके पास टाइम की कमी है। सोचिए आपकी कमियों को वो अपना बिजनेस बनाने में लगे हुए और आप अपनी कमियों को दूर नहीं कर रहे हैं। तो पहली बात, आपको अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो आपको समय देना होगा, पोस्ट मार्केट एनालिसिस करनी होगी, लाइव मार्केट में चार्ट्स को रीड करना होगा, फंडामेंटल स्टडी करनी होगी, टेक्निकल एनालिसिस करना होगा, सीखना होगा, समझना होगा कि एक प्राइस में मूवमेंट क्यों आती है, प्राइस ऊपर क्यों जाता है, प्राइस को गिराता कौन है, उसमें बाइंग किसे कहते हैं, सेलिंग किसे कहते हैं, बाइंग जोन क्या होते हैं, डिमांड जोन क्या हो सकते हैं, RSI क्या होती है, बहुत सिंपल सिंपल टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, फंडामेंटल स्टडीज क्या होती हैं, कंपनी की EPS किसे कहते हैं, कंपनी की PE किसे कहते हैं, फंडामेंटल स्टडी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको टाइम देना होगा। टाइम देंगे तो शायद आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और लोग आपको ट्रैप करने में कामयाब बिल्कुल भी नहीं होंगे। दूसरी सबसे बड़ी वजह, लैक ऑफ
इंटरेस्ट इन लर्निंग, सीखना कोई नहीं चाहता। प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लीजिए अगर हम जब ये जियो जब से आया है, जब से यूट्यूब रेवोल्यूशन में कहूंगा, जब से इंटरनेट रेवोल्यूशन इंडिया में आया है, उससे पहले तो कुछ सिखाने वाला भी नहीं था, लोगों को पता भी नहीं था कि बॉम्बे में कौन सिखाता है, पटना में कौन सिखाता है, पंजाब में कौन सिखाता है। बट कहीं ना कहीं इंटरनेट के इतने आसान और ऑलमोस्ट फ्री हो जाने के बाद में, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी, इतना अच्छा एक्सेस होने के बावजूद में, लोगों को लगने लगा कि हाँ बहुत सारे ट्रेनर्स अवेलेबल है, बहुत सारे वीडियोज हमारे सामने आई, हमने सीखने की कोशिश की, हमने उनको कॉपी करने की कोशिश की। अब आपके सामने बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, दुनिया भर के ट्रेनर्स हैं, पहले कोई ट्रेनिंग देता भी नहीं था, अब तो रोज हर 10 दिन में एक नया ट्रेनर भी पैदा हो रहा है। देखिए हर चीज़ के मेरिट भी होते हैं, हर चीज़ के डीमेरिट भी होते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ना पड़ेगा कि आप किससे सीखना चाहते हैं, किससे नहीं सीखना चाहते। बट मेरे हिसाब से कोई भी एक्सपीरियंस ट्रेडर आपको गलत नहीं सिखाएगा, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, मार्केट को देखेगा, सबका अपना नजरिया है, आपका अपना होगा, उस दूसरे सिखाने वाले का अपना नजरिया है, आपको चूज करना है किससे सीखना है। नहीं सीखना किसी से, कम से कम इंटरनेट से सीखिए, फ्री में सीखिए, बुक्स को पढ़िए, बट इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग पैदा करना बहुत जरूरी है। आपको समझ में आना चाहिए पैसे का बाजार है, यहाँ पे पैसे को डाल के पैसा बनाया जाता है। तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो टेस्ट करने पे कामयाब दिखाई देती है, जिसकी कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिनकी एक्यूरेसी 70-80% से ऊपर है, स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगाने, कहाँ नहीं लगाने, ये सब सीखना होगा। ट्रेड कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, अगर ये चीज समझ में आए तो सबसे पहले इंटरेस्ट पैदा कीजिए अपने आप में कि हाँ इस बाजार में कुछ हो सकता है, यहाँ पे कुछ किया जा सकता है। अगर वो इंटरेस्ट आपके अंदर में है, वो जज्बा आपके अंदर में अगर आ जाता है, अगर आप सोचने की वो दृढ़ संकल्प ले लेते हैं, तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट में आप कामयाब हो सकते हैं। चलिए देखते हैं तीसरी ऐसी कौन सी वजह जो आपको लॉसेस देती है स्टॉक मार्केट में। तीसरी सबसे बड़ी वजह है टिप्स एंड एडवाइजरी पे डिपेंडेंसी। जी हाँ, टिप्स एंड एडवाइजरी। हमें लगता है यार मैं तो जॉब करता हूं, मुझे कोई बता दे कि आज मैं टाटा मोटर्स खरीदूं या टीसीएस, विप्रो खरीदूं या इंफोसिस, मैं सीमेंट खरीदूं या स्टील खरीदूं, मैं बैंकिंग खरीदूं या एफएमसीजी खरीदूं, क्या खरीदूं, कौन सा शेयर मुझे निवेशक बना सकता है, कौन सा शेयर मुझे ट्रेडर बना सकता है, आज मुझे कहां खरीदना चाहिए, कौन सी बैंक निफ्टी की ऑप्शन खरीदनी चाहिए, कौन सी निफ्टी की ऑप्शन खरीदनी चाहिए, कोई टिप्स बता दे। हम लोगों ने हजारों टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करके रखा है, हजारों व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करके, फेसबुक ग्रुप्स को हमने ज्वाइन करके रखा है, जहां पे फ्री की टिप्स मिलती रहे। आप देखेंगे तो फेसबुक के ऊपर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ऐसी स्क्रोलिंग चलती है कि भाई मैं एक ग्रुप बना रहा हूं जो फ्री में टिप्स आता है, ज्वाइन कीजिए, हजारों लोग उसमें जुड़ जाते हैं। क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की कि जो आपको टिप्स दे रहा है सामने वाले को क्या आप जानते हैं, क्या आपको ये समझ में आता है जो एडवाइजरी कंपनी खोल के बैठा हुआ है, क्या आप उसको जानते हैं, क्या आपको मालूम है, क्या भरोसा है कि वो सही टिप्स दे रहा है, क्या आपको मालूम है कि उसकी एनालिसिस बहुत शानदार है, क्या कोई बैक टेस्ट है, कोई रिपोर्ट है आपके पास में, कुछ नहीं है। लोग कहते हैं और आप मान लेते हैं। हम लोग इतने इमोशनल होते हैं स्टॉक मार्केट में कि हम लोगों को पैसे की एक जिम्मेदारी नहीं महसूस होती। हम लोगों के सबके सर पे कुछ ईएमआईज हैं, कुछ फाउंडेशन हैं, किसी की स्कूल फीस जानी है, किसी की घर की ईएमआई जानी है, लोन चुकाना है, गाड़ी की लोन जाना है, कुछ कुछ बॉन्डिंग, कुछ कुछ ऑब्लिगेशन हम सबके ऊपर में है। तो उस ऑब्लिगेशन के चलते क्या है कि हम ऐसे टिप एडवाइजरी के चक्कर में ट्रैप हो जाते हैं। दोस्तों अगर टिप एडवाइजरी वाले को अगर खुद ही काम करना आता तो आपको एडवाइजरी देके धंधा क्यों कर रहा होता। आप प्लीज टिप एडवाइजरी के चक्कर में मत पड़िए, लर्निंग पे, सेल्फ लर्निंग पे फोकस करेंगे तो शायद पैसा बनेगा, नहीं तो पैसा जाने की गारंटी है। तीसरी वजह रही, अब देखते हैं चौथी कौन सी वजह है। चौथी सबसे बड़ी वजह है मनी मैनेजमेंट। जी हाँ, लैक ऑफ मनी मैनेजमेंट। आपको जब भी लगता है कि फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स खरीद लेना चाहिए, तो आप क्या करते हैं, पूरे के पूरे पैसे आज ही उसमें डाल देते हैं। हमको लगता है कि टाटा मोटर्स यहाँ से 400 का 500 जाने वाला है, 400 से 500 होगा, हो सकता है 5000 भी हो, बट वो एक जर्नी को ट्रेवल करेगा, टाइम बाय करेगा, समय के साथ चलेगा, प्रोजेक्ट्स होंगे, प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशंस होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बुक्स में कन्वर्ट होंगे, बैलेंस शीट मजबूत होंगी कंपनी की, तब जाके फाइनेंशियल्स मजबूत होंगे, तो पता लगेगा कि हाँ कंपनी परफॉर्म करी है, तो उसका रिफ्लेक्शन प्राइस में देखने को मिलेगा। 400 की चीज 4000 हो सकती है, वो एक साल में हो, 10 साल में हो, उसका एक टाइम होता है। पर हमको क्या लगता है, हम आज ही पूरा पैसा या तो पूरा मिड कैप में डाल देते हैं, पूरा स्मॉल कैप में डाल देते हैं, पूरा लार्ज कैप में डाल देते हैं, या पूरा पूरा पैसा बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए डाल देते हैं। जितने पैसे पड़े आज ही रातों रात करोड़पति बनना है। रातों रात करोड़पति बनने के जितने भी सपने लोग लेके आए हैं ना, वो चकनाचूर होंगे ही होंगे। कभी कभी तुक्का लग जाएगा, आपको लगेगा कि मैंने बड़े अच्छे पैसे बना लिए, वो तुक्का आपके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस साबित होने वाला है अगर आपको ये नहीं मालूम कि वो पैसे क्यों आए थे। तो जब तक लर्निंग नहीं होगी, जब तक आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगी, जब तक आप उसमें बैक टेस्ट नहीं करेंगे, वो सब चीज़ें आपको धोखा देती ही रहेंगी। तो आपको मनी मैनेजमेंट करने का सिंपल तरीका है कि कब कितना पैसा कहाँ लगाना है, कितना पैसा एवरेज के लिए रखना है, कितना पैसा लार्ज कैप के लिए रखना है, कितना स्मॉल कैप में रखना है, कितना मिड कैप में रखना है, कितना पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाना है, कितना पैसा निफ्टी में ट्रेड करने के लिए लगाना है, कितना बैंक निफ्टी के लिए, कितना ऑप्शंस के लिए, कितना स्टॉक ऑप्शंस के लिए, कितना इंडाइसेस के ऑप्शंस के लिए, पता होना चाहिए। हर चीज का कैपिटल फिक्स होना चाहिए, आपकी मनी मैनेज्ड होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए बॉस मैं इतना ही पैसा लगाने वाला हूं, ऑप्शंस में इतने परसेंट में ही काम करने वाला हूं, निफ्टी में इतना ही पैसा लगाने वाला हूं, बाकी पैसा स्टॉक्स में लगाऊंगा, प्रॉफिट आएगा तो उस प्रॉफिट से क्या करने वाला हूं, क्या रीइन्वेस्ट करने वाला हूं या रीट्रेड करने के लिए यूज करने वाला हूं, पता होना चाहिए। सो मनी मैनेजमेंट इज द फोर्थ प्रॉब्लम व्हिच जनरली ऑल ट्रेडर फेसेस इन स्टॉक मार्केट। आई होप यू गेटिंग इट।
लेट्स गो टू फिफ्थ पॉइंट, पांचवी सबसे बड़ी वजह। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप ट्रेडर हैं इन्वेस्टर, कुछ सेकंड रुकिए और मुझे जवाब दीजिए। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप ट्रेडर हैं इन्वेस्टर, आपको यही समझ में आ जाएगा कि आपकी गलती क्या है। पहली बात, अगर हम कोई चीज लेते हैं हमको यही नहीं पता कि ट्रेंड क्या है, बाजार ऊपर जाने वाला है नीचे आने वाला है, तो हम किसी भी चीज में जब एंटर होते हैं फंस जाते हैं तो हम इन्वेस्टर बन जाते हैं। अगर तुक्का चल जाता है तो हम ट्रेडर बन जाते हैं। तो तुक्के से जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं उनकी तादाद जो संख्या है बढ़ती जा रही है। इन्वेस्टर कोई बनना नहीं चाहता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता 20 साल के लिए। सब लोग स्टडी तो करना चाहते हैं ऐसी स्टोरीज को, विप्रो 20 साल पहले क्या थी, इन्फोसिस 20 साल पहले क्या थी, रिलायंस में अगर इतने साल पहले पैसे लगाए होते आज करोड़ोंपति आप हो गए होते। क्या आप, मैं अगर आपको कहूं कि सुजलोन, मैं कोई आपको एग्जांपल या कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहूं आपको येस बैंक आज ले लीजिए 16 रुपए पे, या सुजलोन ले लीजिए 8 रुपए पे, आने वाले 20 साल में 8 का 1600 हो जाए, क्या मान जाएंगे? क्या अगर वो सुजलोन 8 का 1600 या 1600 होने भी वाला है तो क्या अगले 20 से 30 साल के लिए निवेशित रह सकते हैं, आपका इन्वेस्टेड रह सकते हैं? नहीं, पेशेंस ही नहीं है आपके अंदर में। आप सोचेंगे 8 रुपए का माल कल ही 20 रुपए होना चाहिए। तो ये जो ग्रीड है, ये जो इम्पेशेंस है, ये किलर है, बहुत तगड़ा किलर है। तो सबसे पहले ये पहचानें कि आप ट्रेडर हैं इन्वेस्टर हैं। ट्रेडर हैं तो टाइम देना ही होगा आपको, फुल डे मार्केट को स्टडी करना ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह 1 घंटे मार्केट देखिए उसका पता ही नहीं मार्केट में क्या हो रहा है। जब भी आप मार्केट में आते हैं ट्रेड डालना चाहते हैं, तो ये एक अच्छे ट्रेडर की पहचान नहीं है। ट्रेडर पहचानता है कि मुझे कौन सा ट्रेड करना है कौन सा नहीं करना। जैसे आप क्रिकेटर्स की बात करें तो क्या वो हर बॉल पर 6 हिट करने की कोशिश करते हैं? जी नहीं, दे वेट फॉर दैट लूज बॉल। ऐसा नहीं कि हर बॉल पर छक्का मारने की कोशिश करते हैं, हर बॉल पर चौका उनको चाहिए, या अच्छी बॉल पर भी आप वो सिर्फ सिंगल लेके छोड़ देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिलीवरी कौन सी आ रही है, स्पिन पे है या आपके कंफर्ट जोन में है, आपके हिटिंग जोन में है कि नहीं है। ऐसे ही स्टॉक्स को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपके बाइंग जोन में स्टॉक आ गए हैं क्या? आपको वेट करनी चाहिए कि हाँ एक स्टॉक को मैं वेट कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का स्टॉक है, मैं इसको 80 रुपए पे परचेज करूंगा। तो अगर वो स्टॉक गिर रहा है और 80 रुपए आ रहा है तो आपकी प्लानिंग क्या है? तो क्या आपको उसको एक्युमुलेट करना स्टार्ट करना है, क्या उसमें अब बाइंग स्टार्ट करनी है और फर्दर 60 रुपीज 70 रुपीज और या थोड़ा और फॉल का वेट करना है, या थोड़ा सा पैसा आज लगाऊंगा थोड़ा सा पैसा और नीचे लगाऊंगा? तो एक प्लान कीजिए, फर्स्ट मेक ए प्लान देन ट्रेड योर प्लान। दिस इज द रीजन ऑफ सक्सेस इन द मार्केट। तो पहले आइडेंटिफाई कीजिए आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर है। ऐसा नहीं कि ट्रेड करने लगे थे फंस गए तो इन्वेस्टर बन गए। ट्रेडर हैं तो शॉर्ट टर्म है, इन्वेस्टर है तो लॉन्ग टर्म है। पहले आइडेंटिफाई कीजिए आप कौन है, पहचानिए अपने आपको, उसके बाद ही हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हैं। छठी वजह देखने की कोशिश करते हैं क्या है। तो कहा जाता है कि बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि पैसे से ही पैसा बनता है, मनी अट्रैक्ट्स मनी। स्टॉक मार्केट का एक बहुत कड़वा सच है। जिन लोगों की जेब में 10,000, 20,000, 25,000 रुपए, मैं बिल्कुल भी उनको डीमोटिवेट नहीं करना चाहूंगा, बट मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूं, बहुत कड़वा है पर सच है। जितने भी लोग इतनी कम कैपिटल के साथ में आते हैं, एक लिमिटेड कैपिटल के साथ में आते हैं, वो 1 लाख रुपये भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है, तो 25,000 भी हो सकती है, 5,000 भी हो सकती है। जो लोग लिमिटेड कैपिटल के साथ मार्केट में आ रहे हैं उनको लगता है मेरे पास सिर्फ इतना ही है, मुझे इतने से ही काम करना है, तो उस पैसे को आपको बचाना आना चाहिए, सेव करना आना चाहिए। अगर आप इस पैसे को पूरा का पूरा ऑप्शंस को ट्रेड करने में विदाउट नॉलेज लगा देंगे तो गारंटेड है कि पैसा जीरो होना ही होना है। इसकी फुल गारंटी मैं आपको दे सकता हूं, पैसा जीरो होना ही होना है। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपके पास पैसे की कमी कभी ना हो। अगर आप जॉब करते हैं, आप स्टॉक मार्केट में करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप कम से कम 1 साल के लिए जॉब और कर लीजिए, थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लीजिए। जहां जॉब को आपको आज ही छोड़ना था, अगर मान लो आपकी जॉब 20,000, 30,000, 50,000 की जॉब है, अगर आप 1 साल जॉब में और काम कर लेंगे, जैसे मर्जी काम कर लेंगे, आपको 30 दिन काम ही तो करना है, काम करेंगे, लाला आपको पैसा देने वाला, आपका एम्प्लॉयर आपको पैसा देने वाला है। तो अगर आपकी जो भी सैलरी है, अगर आप 6 महीने साल भर और वो जॉब कर लेते हैं, उस पैसे को इकट्ठा कर लेते हैं, तो आपके पास अपना पैसा होगा। सोच के कितनी अच्छी स्ट्रेटजी आपको दे रहा हूँ, आपके सपना पैसा होगा। आप लेट स्टार्ट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि मार्केट आपके हाथ से छूट जाएगी, निफ्टी 20,000 से 40,000 हो गया, 40 से 80 भी होगी। सेंसेक्स अभी 10,000 था तो 40,000 पे बैठा हुआ है, 40,000 से 1 लाख भी होगा, 2 लाख भी होगा, 10 लाख भी होगा, सब चीजें होंगी, समय के साथ चीजें होंगी। मार्केट में कभी भी कोई ट्रेड छूटता नहीं है। तो पहले पैसा इकट्ठा कीजिए स्टॉक मार्केट में आने के लिए। ऐसा नहीं कि 15-20 हज़ार इकट्ठे हुए स्टॉक मार्केट में कूद गए और 20,000 से आप सोचेंगे। बहुत से एग्जांपल आपने देखे, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे कि भैया फलाने ने पैसा 2 लाख का 2 करोड़ बनाया, अभी मैं भी बना सकता हूँ। अरे वो 2 लाख का 2 करोड़ क्यों बनाया, उसके इमोशंस क्या थे, उसकी स्टडी क्या थी, उतना कितना बैक टेस्टिंग उसने किया, कितनी एक्यूरेसी से काम किया, वो आप मीट नहीं कर सकते। सबके इमोशंस अलग हैं, एक माँ के 2 बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, तो एक फील्ड के 2 ट्रेडर्स के इमोशंस भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। किसी को कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप कॉपी ट्रेड करते हैं, या फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि एक ट्रेडर ने अपना प्रॉफिट पोस्ट किया 50,000 का, एक ट्रेडर ने प्रॉफिट पोस्ट किया 50 लाख रुपीज का, एक ट्रेडर ने पोस्ट किया 1 करोड़ रुपए का, तो मोस्ट सक्सेसफुल कौन सा है? हो सकता है 1 करोड़ वाला प्रॉफिट बार बार ना कर पाए, अगली बार उसको लॉस हो, तो उसके लॉसेस भी वैसे ही होंगे। हो सकता है 50,000 का प्रॉफिट जिसने रेगुलर किया, हो सकता है वो 50,000, 20,000, 30,000 रेगुलर प्रॉफिट बना रहा है और वो लॉन्ग टर्म से प्रॉफिट बनाता आ रहा है, तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। तो सामने वाले के ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस को देख के हम कभी भी ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैं भी वो कर सकता हूँ। ठीक है,
उम्मीद लगाने में कोई गलती नहीं है, बट आपको ये नहीं मालूम कि सामने वाले की मेहनत क्या है, उसकी इमोशंस क्या है, उसकी स्टडी क्या है, यू कैन नेवर मैच दैट। तो सबसे पहले आपको जो मैच करना है सामने वाले को, वो है पैसा। पैसा इकट्ठा कीजिए, आपका अपना होना चाहिए, लोन का नहीं होना चाहिए, क्रेडिट का नहीं होना चाहिए, किसी से मांग के बिल्कुल नहीं लेके आना, क्योंकि पहले उसको देने की टेंशन आपके दिमाग में बनी रहेगी, चाहे वो बैंक का हो, चाहे किसी पड़ोसी का हो, चाहे दोस्तों का हो, चाहे भाई बहन का हो। आपका अपना पैसा होगा, अपनी सैलरी होगी, सेव की होगी, मेहनत से कमाया हुआ पैसा सेव किया होगा, तो सबसे पहले उस पैसे को आप प्रोटेक्ट करने की सोचेंगे, उसको सट्टे में कभी नहीं डालेंगे। तो पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, 6 महीने जॉब करनी है, साल भर जॉब करनी है, जहां जाना जॉब करके आइए, कम से कम जॉब किया हुआ सुकून से अपना कमाया हुआ पैसा होगा जिसको बदाम में लगा सकते हैं, उसको आप प्रोटेक्ट भी करना सीख जाएंगे, और पैसे से पैसा जरूर बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट बड़ी वजह कौन सी है जिसकी वजह से लॉसेज होते हैं। तो सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको लग रहा है डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो डिस्कशन चल रही है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं शायद आपके दिल की उस बात को छू पा रहा हूं जो आपको चाहिए, जो आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, अभी शेयर कर दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हूं, मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके बनाने के लिए। और आप ट्रेडिंग करते हैं, आप ट्रेडिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव ट्रेडिंग में अगर आपको हैंड होल्डिंग चाहिए तो आप ट्रेडिंग ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी डिटेल से लिए आपको नंबर नीचे स्क्रीन पर आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली 3 मुख्य वजहों के ऊपर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये 9 वजह आपकी पूरी हो जाती है तो आपको एक बेटर ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सातवीं वजह देखने की कोशिश करते हैं, सातवीं वजह क्या है? सातवीं वजह है लोगों का सपना। सपना, जी हाँ, लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट से रातों रात करोड़पति बना जा सकता है, बिलियनियर और है मिलियनियर ओवरनाइट, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। हम पूरा का पैसा ऑप्शंस में, आज के इतने लोग ऑप्शंस ट्रेडर बन रहे हैं, बहुत फैंसी हो गए, ऑप्शन बायर, ऑप्शन राइटर, ठीक है ऑप्शन बायर बनिए, राइटर बनिए, कुछ भी बनिए, बट क्या स्टडी करके बन रहे हैं? और अगर स्टडी कर भी लिया है तो पूरा पैसा आपको आज ही डालना क्यों है? दोस्तों पता नहीं आप रात रात करोड़पति बनेंगे या नहीं बनेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग करने से, बट अगर आपकी एक भी स्ट्रेटजी गलत हुई, आपके अगेंस्ट गई, तो पूरा पैसा खराब होगा, आप करोड़पति से रोडपति बन सकते हैं। तो रोडपति बनना अच्छा है या करोड़पति बनना अच्छा है वो आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, बट मैं आपको कह सकता हूं मेरे अनुभव के हिसाब से जितने बड़े ट्रेडर्स जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनसे भी आप पूछेंगे तो उनको भी लॉसेज होते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसको लॉसेज नहीं होते। तो रातों रात करोड़पति बनने की जर्नी किसी ने तय नहीं की है, सबने साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाजार को दिए हैं, वही लोग करोड़ों लाखों रुपए कमा पा रहे हैं। तो आपको भी समय जरूर देना होगा दोस्तों। सबसे पहली वजह थी लैक ऑफ टाइम, तो टाइम देंगे, लर्निंग करेंगे, मनी मैनेजमेंट करेंगे, किसी टिप एडवाइजर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और रातों रात करोड़पति बनने के सपने को तोड़ देंगे तो शायद बाजार में पैसा बनाना सीख जाएंगे। पेशेंस, संतुष्टि बड़ी चीज है दोस्तों, वो पैदा करनी बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं 8वें पॉइंट पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। 8वां पॉइंट क्या हो सकता है दोस्तों? कोई गैस करना चाहेगा? मैं देखता हूं कि कितने लोगों की ये चीज मुझसे मैच करती है, क्योंकि ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है आपकी जो कहीं ना कहीं हमें ये बताने में बहुत मदद करती है कि हम कौन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इमोशंस की। 8वां पॉइंट है इमोशंस। जैसे ही हम ट्रेड डालते हैं, कुछ लोगों के दिल की धड़कन 100 रुपए के लॉस में धड़क जाती है। जैसे ही लिया हुआ स्टॉक आपके लेने वाले प्राइस से अगर 1 रुपए भी नीचे चला जाता है, जस्ट 1 रुपीज फॉल भी आता है, तो भी आप टेंशन में आ जाते हैं, आते हैं ना। तो अगर आप उन इमोशनल लोगों में से हैं जो ट्रेड के लेते ही आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो आप एक ट्रेडर तो बिल्कुल नहीं बन सकते, आपको निवेशक ही बनना चाहिए। तो पहले तो आपको दिल की धड़कन पे काम करना चाहिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, उसके बाद काम करनी चाहिए, छोटे से कैपिटल से स्टार्ट कीजिए, एक डिसिप्लिन बनाइए, एक ही क्वांटिटी से कुछ टाइम के लिए काम कीजिए, जो आपको लगे कि हाँ मेरी ये क्वांटिटी मैं झेल पा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे क्वांटिटी को बढ़ाइए। आपको लगता है मैं 20,000 से काम कर पा रहा था, मैं सक्सेसफुली इस 20,000 को प्रोटेक्ट करने में कामयाब हूँ, थोड़े से रिटर्न्स भी बना लिए, तो 20,000 को 30,000 कीजिए, 40,000 कीजिए, 50,000 कीजिए, पूरा पैसा नहीं डालना, मनी मैनेजमेंट कीजिए, टाइम दीजिए, स्टडी कीजिए। बट अगर आप इमोशनल हैं, अगर आपके दिल की धड़कन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो एक ट्रेडर बिल्कुल नहीं बन सकते, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडर तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि आपको जैसे ही आप ट्रेड लेंगे, जैसे ही हर ट्रेड में एक बार लॉस आपको जरूर दिखाई देता है ना, कभी ऐसा नहीं होता कि ये ट्रेड लिया और लेते ही आपका चल पड़े। तो क्या आप उस फेज को हैंडल कर पाते हैं? अगर आप उस फेज को हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो एक ट्रेडर बनने में मुश्किल आएगी। तो पहले आपको अपने दिल पे काम करना होगा, बिल पे काम बाद में करना होगा, ठीक है ना। तो इमोशन इज दैट 8th प्रॉब्लम ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ। जो लोग इमोशंस पे कंट्रोल कर लेते हैं वो स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल जरूर बनते हैं। चलिए देखते हैं 9वीं और आखिरी वजह। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, सबके साथ हुआ है, और आज भी कभी कभी हम अच्छे अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर भी इसके शिकार आज भी हो जाते हैं, बट हमें लगता है कि हमें इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, और जो न्यूबीज हैं, जो मैच्योर हैं, उनको तो बिल्कुल इस पर काम करना चाहिए। दैट इज
फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। जी हाँ, आपको लगता है कि ले लो नहीं तो निकल जाएगा, मतलब ये स्टॉक अगर यहाँ नहीं पकड़ा, ये ऑप्शन यहाँ नहीं पकड़ी तो शायद दोबारा मौका ना मिले। अरे दोस्तों, अगर आप देखेंगे पहले 1000 रुपये की निफ्टी हुआ करती थी, और आज निफ्टी 18000 पे काम कर रही है ना। जैसे ही सेंसेक्स भी 1000 हुआ करता था कभी टाइम पे, आज 40 से 50 हज़ार में काम कर रहा है। सोना का भी 1000 रुपये प्रति ग्राम होता था, आज 50 से 60 हज़ार प्रति ग्राम पे भी चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो जर्नी रही है निफ्टी की, एनएससी की, बीएससी की, या किसी भी सेंसेक्स या किसी भी इंडाइसिस की, वर्ल्ड के इंडाइसिस की, तो क्या ये जर्नी स्ट्रेट वे रही है? सब में करेक्शंस आई हैं, सब में फॉल आए हैं, उसके बावजूद भी कहा जाता है, मेरे दोस्त हैं जो बड़े मजाक में मुझे कहते हैं, बॉस इंसान हो या भाव उसको ऊपर ही जाना है ना, इंसान हो या भाव दोनों को ऊपर ही जाना, तो आपको डरना क्यों है? जब आप अपने आप को लॉन्ग टर्म का निवेशक बना देंगे तो पैसा बनना ही बनना है। ट्रेडर हैं, ट्रेडर का फायदा क्या होता है? ट्रेडर अपॉर्चुनिटीज को कैश कर लेता है कि निकलना कहाँ पे है, कहीं ना कहीं वो उस एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाता है एज ए ट्रेडर बनके। तो प्योर निवेशक बनने के साथ साथ में अगर हम ट्रेडर बने और फियर ऑफ मिसिंग आउट को छोड़ दें कि आपके हाथ से छूट जाएगा, नहीं छूटेगा दोस्तों। स्कूल में थे, कॉलेज में थे तो बहुत कहावत थी, हंसी मजाक में कहते थे भाई प्लीज लड़की और ट्रेन के पीछे मत भागिए, एक जाती दूसरी आती, कहावत है आपको याद है। मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं इस मजाक के साथ में, बट आपको वो मजाक याद दिला रहा हूं जो आप बचपन में स्कूल में कॉलेज में किया करते थे। तो अगर आप एक बस की वेट बस स्टॉप पे करते रहे कि जाने दे यार दूसरी आएगी, दूसरे में चले जाएं, घर ही तो जाना है, तो वो अप्रोच स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं है? वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। समराइज करता हूँ दोबारा से, सबसे पहली बात है लैक ऑफ टाइम। लैक ऑफ टाइम को आपको कंट्रोल करना है, टाइम देना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है जो आपके कंट्रोल में आ जाएगा बिना टाइम दिए हुए। दूसरी बात, आपको आपका जो इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग है वो आपको पैदा करना होगा, आपको सीखने की ललक अपनी पैदा करनी ही करनी होगी। तीसरे चक्कर, टिप एडवाइजर के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है, ताकि आप कभी भी गलत ट्रेड में ना फंसे, गलत लोगों के हत्थे ना चढ़े। उसके बाद आपको मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के करने के साथ में आपको ये पहचाना कि आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, और साथ में लैक ऑफ मनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, पैसा इकट्ठा करना है, अपने पैसे से काम करने की शुरुआत करनी है, और बाद में ये सोचना है कि हम रातों रात करोड़पति बिल्कुल नहीं बन सकते, कोई नहीं बना है, ना ही आप, ना हम, ना ही कोई बन सकता है। और अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना है, और फियर ऑफ मिसिंग आउट को टाटा बाय बाय कहना। आई होप दीज 9 पॉइंट्स विल हेल्प यू टू बिकम ए बेटर ट्रेडर एंड एन इन्वेस्टर। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा। मैं आपका दोस्त सुप्रभु कौशिक, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।